ख्वाजा ब्रादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। नैब ने शरीक मुलजिमान के सप्लीमेंट्री चलान जमा कराने की मोहलत मांग ली है। अदालत ने नैब के तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात नुमान नूर से जानते हैं। नुमान बताइएगा। जी साहब, अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई। जबकि समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई, जबकि इनके हमराही मुलजमान भी अदालत में पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल करवाई। जबकि इस हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में सदा की कि इस शरीक मुलजमान का सप्लीमेंट्री चलान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए, आइंदा समाअत तक सप्लीमेंट्री चलान जो है वह जमा करवा देंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि ये 4-5 दिन आप पहले भी आपको कई बार तारीख दी गई लेकिन आप अदालत में चलान सप्लीमेंट्री चलान जमा नहीं करवाया, जबकि आइंदा समाअत पर अगर चलान जमा ना करवाया तो बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला कर दूंगा। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ इख्तियार किया कि आइंदा समाअत पर कोशिश करेंगे कि सप्लीमेंट्री चलान अदालत में पेश कर दिया जाए, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत 22 फरवरी तक जो है मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है और मुलजमान को हाजिर। जी ठीक है नुमान नूर, आपका शुक्रिया।